स्क्लेरोसिस, मल्टी सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली स्टार्ट्स विद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। बेसिकली इसको कहेंगे क्या अगर स्क्लेरोसिस, देखिए ये इतने सारे ग्रीको रोमन शब्द पढ़ लिए, ठीक तो होता नहीं। नामकरण संस्कार तो बहुत अच्छा करते हैं मगर ठीक किसी को नहीं करता है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है ऑर्गन फेल, बेसिकली इट इज गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन काम करना बंद कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझाता हूं और सबको समझ में आएगा ये। बात यह है कि आप समझना चाहते हैं कि नहीं। किसी को हार्ट अटैक आता, हार्ट बंद हो रहा है ना, हार्ट बंद हो गया, अब क्या करोगे? फर्स्ट थिंग व्हाट इज इवन कंटेम्प्रेरी, आज के समय के जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहली चीज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन, व्हाट इज द मेडिकल गाइडलाइन व्हेन द हार्ट अटैक हैपेंस? यू डू सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये इसका मतलब क्या होता? आप मुंह में हवा भरें और उसके हार्ट पे ऐसे प्रेशर बनाए। क्यों आप बना क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर फॉर द हार्ट टू स्टार्ट फंक्शनिंग। यस और नो, आप लोग सब समझ सकते हैं इस बात को। तो आप प्रेशर से किसी ऑर्गन को, यू वांट टू रिवाइव एन ऑर्गन थ्रू कांस्टेंट प्रेशर। दिस शुड टेल यू दैट एनी ऑर्गन एंड एवरी ऑर्गन फंक्शंस इन अ सर्टन प्रेशर। व्हाट इज कुंभक? कुंभक इज करेक्टिंग द प्रेशर मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। सो इफ सम ऑर्गन इज फेलिंग, व्हाट इज द प्राइमरी थिंग टू डू? कुंभक, टू रिवाइव द ऑर्गन। सो देर आर डिफरेंट फॉर्मूलेज ऑफ कुंभक दैट कैन बी डन टू क्रिएट पिन पॉइंटेड इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू रिवाइव लिवर, अगर लिवर रिवाइव करना चाहते हैं तो देर इज अ फॉर्मूला। इफ यू वॉन्ट टू रिवाइव द किडनी, देर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। दैट इज वॉट वी डू वेन वी डायग्नोज यू। आपको डायग्नोज करते हैं और उसके बाद में वी गिव यू द राइट फॉर्मूला। कैन इट बी करेक्टेड? यस।